Welcome to Time News Studios. You're watching 7 p.m. Bulletin. उज़ैर बलोच साहब के करीबी साथी यारी के हबीब जान बलोच साहब मौजूद। 2012 के ऑपरेशन के खात्मे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर रابطہ किया उज़ैर बलोच के साथ के 5 करोड़ रुपए नकद दिए गए। उज़ैर बलोच फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। फिर आपने देखा कि कायम अली शाह भी वहां गए, शर्मिला फारूकी भी गई, परियाल साहिबा भी गई। उज़ैर साहब के कहने के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पुलिस अफसरान के तबादले करती, पूरे कराची में आईजी सिंह तक के ट्रांसफर किया करते थे। वजारत दाखिला उनके दरवाजे पर खड़ी रहा करती थी रहमान मलिक की सूरत में। कभी उज़ैर बलोच साहब की पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, जिस तरह हो गए अगर जरदारी साहब, कभी उनके साथ मुलाकात हुई? जरदारी साहब की मुलाकात हुई, वो मुलाकात बड़ी अहम थी। आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश थी कि उनके मुंह बोले भाई यारी से इलेक्शन लड़े। अब बीच में मिस्टर टप्पी साहब आग टपके, जहाँ पे झगड़े की बुनियाद याराने बड़े थे हमारे। टप्पी साहब एक दिन दन दनाते हुए फैसल रजा आब्दी और चौधरी असलम के साथ 50 गाड़ियों के स्क्वाड में लियारी पहुंचे। हमें फोन आया उस वक्त डिप्टी कमिश्नर का, ये आपने क्या किया? मैंने कहा सर कराची के बलोच मुत्तहिद हो रहे हैं। तालुकात कब खत्म हुए उज़ैर के पीपल्स पार्टी के साथ? जब हुकूमत खतरे में आ गई। वफाकी वजीर अली जैदी अगूणे पीपल्स पार्टी अरफान हबीब जान के बयान के बदल वीडियो जारी कर छी। अली जैदी है तो आसिफ जरदारी संदेश साथी कादिर पटेल वायखा थी व्यान जाहिर थी वो है तो पीपल्स पार्टी के हुकूमती दौर में सियासत डोह गड हलंदा रहा। समाजी राबतन वाली वेबसाइट ट्विटर से जारी थे वीडियो में हबीब जान चो तो 2012 वे डारी ऑपरेशन का पीपल्स पार्टी एक बीहर उज़ैर बलोच से राबो कर 5 करोड़ रुपया रोक दिना। उज़ैर बलोच वरी पीपल्स पार्टी में शामिल थो तो तकरीब में फरियाल टालपुर बेन शिरकत कई। वीडियो में सवालन का जवाब दींदे हबीब जान चयो तो आसिफ जरदारी की ख्वाहिश हुई तो संदस वेगो भा लियारी में चूंड विड़े। अवेस मुजफ्फर के लियारी अचण से जेड़ो वधी वियो। लियारी गैंगवार के मुख्य किरदार उज़ैर बलोच खिलाफ 2 केसेस 3 सालों का अल्तवा जो शिकार। कराची की मकामी अदालत में उज़ैर बलोच खिलाफ कत्ल भंजड़ा हंगामन वे केस की बुधनी दौरान सरकारी वकील दलील दींदे है तो जवाबदार के फौजी अदालत में मुंतकिल कर वक्त अदालत के आगाह किया वो हो। उज़ैर बलोच के मिलिट्री कोर्ट में सेंट्रल जेल बीहर मुंतकिल कर हवा से को भी इतला न दिनों वो है। जवाबदार खिलाफ लियारी के मुख्तलिफ थानों से केस दाखिल थे। उज़ैर बलोच के हाने रुगो दहशतगर्दी टोड़ अदालत में पेश किया पे वे। सिंध सरकार जो कारनामो सिंध हाउस इस्लामाबाद में मुबैना करप्शन की इंक्वायरी में एंटी करप्शन के घुर्बल चीफ इंजीनियर अख्तर डाविज के ही सागे मामले की जांच कमेटी जो मेंबर बनाए छोड़ो। 3 रुकनी कमेटी में शामिल अख्तर डाविज पहिया ही एंटी करप्शन आडो पेंचो बयान रिकॉर्ड करा चुको है। हाने खेस कमेटी की टेक्निकल मदद लाए मेंबर बनाया वो। कराची जहा 86 थाना खुद मुख्तियार एडिशनल आईजी गुलाब मेमण तरफा उमारल सिफारिश मंजूर कदे स्टेशनरी और बे सामान लाए पौना 2 अरब रुपया जारी। हुकूमत 23 जिलों के नजरअंदाज कर छो। कराची के क्लिफ्टन थाने के 1 करोड़, दरक्षा थाने के पौना 99 लख, गिजरी थाने के 60 लख, डिफेंस थाने के 52.5 लख रुपया जारी। एआईजी गुलाम नबी मेमण है तो एसएचओस नंढन खर्चन से खुद मुख्तियार हूँ। स्टेशनरी ऑफिस के कम लाए ट्रांसपोर्ट प्रिंटिंग टपाल टेलीफोन जो खर्च बजट में भर वो। हर थाने तोड़े ट्रैफिक सेक्शन और सब डिवीजन में अकाउंटेंट मुकर्र किया वो तो जी बजट की शिफाफियत मुमकिन बनाए सके। एंटी करप्शन खाते का नैब पीटीआई एमपी हलीम आदिल शेख जो घेरो तंग करने की तैयारियों कर वरतियों। नैब मलीर में 257 एकड़ जमीन के मुबैना कब्जे वे स्कैंडल जहा तफसील डीसी मलीर का तलब कर वरता। 27 जुलाई ताई तफसील जमा कराने की हिदायत। नैब जो चवण है तो हलीम आदिल शेख से सरकारी जमीन के मुबैना कब्जे और विक्रो करने इल्ज़ाम है। एंटी करप्शन खाते ईस्ट तरफा गुजरियल साल जमीन के कब्जन वे स्कैंडल में हलीम आदिल शेख के जिम्मेवार करार दींदे संदस खिलाफ केस दाखिल करने की इजाजत घुरी हुई। ऑडियो टेप स्कैंडल अजमल वजीर के गिछी भी पेजी वो।
के पी जे वरे वजीर महमूद खान सुदसमा बाबत सलाहकार अजमल वजीर के अहदे तो हटाए छो कामरान बंगश के सुदसमा बाबत नौ सलाहकार मुकर्र कर जो नोटिफिकेशन जारी जरियर मौजिब अजमल वजीर के इश्तिहारी एजेंसी का कमीशन वारी ऑडियो टेप लीक थे बाद हटाए वो ऑडियो टेप में इश्तिहारी एजेंसी के मालिक कोरोना मुहिम जहा 50 करोड़ रुपये का इश्तिहार जारी कर बस 12 सैकड़ों यानी 6 करोड़ रुपया कमीशन की आच कई जै बाद केस 10 करोड़ रुपया फौरी तौर से जारी किया वह जरीर मौजिब अजमल वजीर इो भी केस मिलंदड़ कमीशन में टैक्स कटौती न कई वेंदी उन हवाले से समूर फैसल में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी शामिल है। अजमल वजीर खेस अहदे त न हटाए वो पर उन पा जाती मसरूफियत सबब इस्तीफा दिनी है। अगर गैस की सप्लाई और फर्नेस ऑयल की सप्लाई जो आज कमिटमेंट हुई है उस कमिटमेंट के मुताबिक कल से कराची में गैर अलानिया लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया जाएगा। ये इलेक्ट्रिक के पास फायदे के मुताबिक 190 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक की गैस रोजाना फराहमी करना जो है वो जिम्मेदारी है, उसको बढ़ाकर 240 तक ले जाया गया है। पहले 270 दी गई थी, इसको 240 है, उसको दोबारा बढ़ाकर 290 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक की ले जाया जा रहा है। जो ओवर बिलिंग का मामला है इसे मैं खुद नेपरा के पास लेकर जाऊंगा और इसको हम इसकी ऑडिट करवाएंगे और ओवर बिलिंग की अगर ओवर बिलिंग निकली तो ये के लगते कि सीओ खड़े हैं ये रिफंड करेंगे उसके पैसे अगर ओवर बिलिंग निकली तो हम नेपरा से इसका ऑडिट करवाएंगे। कराची में सुभाने का अण ऐलानियल लोड शेडिंग खत्म करने जो ऐलान गवर्नर हाउस में अहम मुलाकात बाद गवर्नर इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर असद उमर है तो कराची में सुभाने का शेड्यूल तहत लोड शेडिंग कई वेंदी लोड शेडिंग भी घटाने की कोशिश कई पी वे कई इलेक्ट्रिक के मुहिदे का हटी करे फर्नेस ऑयल 290 मिलियन क्यूबिक फिट गैस मुहैया कई पी वे कई इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग वे मामले की नेपरा का ऑडिट कराने जो फैसलो गवर्नर इमरान इस्माइल है तो ऑडिट में ओवर बिलिंग साबित थी तो शहरों के उ पैसा वापस क्या वा कराची में बदतरीन लोड शेडिंग वो मामलो सुप्रीम कोर्ट पहुंची वो के इलेक्ट्रिक की अण ऐलानियल लोड शेडिंग खिलाफ दरख्वास्त दाखिल दरख्वास्त गुजार इकबाल कासमी तरफा वफाकी सरकार निजकारी कमीशन नेपरा के इलेक्ट्रिक के धुरबड़ा वो दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया है तो के इलेक्ट्रिक शहर के बिना कें रंडक के बिजली मुहैया करने की पाबंद है इंतजामिया मुहिदे से अमल न किया है। दरख्वास्त में के इलेक्ट्रिक के कौमी तहवील में वठण जो हुक्म दियण की भी इस्तदा बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तरफा 272 पायलट्स की शकी लाइसेंस की निशानदही कई वही 8 पायलट्स के डिग्री जाली होजन की तस्दीक बाद मुअतल किया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी पायलट्स की जाली डिग्री और लाइसेंस वाले मामले से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराए छी। रिपोर्ट में सिविल एविएशन अथॉरिटी इंकशाफ किया है तो जाली लाइसेंस वाले पायलट्स रिकॉर्ड में फेरफार कई इम्तहान में भी हिस्सों न वरतो हो। कुछ पायलट्स एफ ए ओ लेवल की भी जाली डिग्री जमा कराई हुई 54 पायलट्स के लाइसेंस की बीहर तस्दीक कई पी वे PIA के 141 सिरन के 10 एयर ब्लू के 9 पायलट्स के ग्राउंड किया गया है। रिपोर्ट मौजिब मुस्तकबिल में जाली लाइसेंस का बचने बायोमेट्रिक की तस्दीक लाए नादरा के दरख्वास्त मानी वही है हाँ इम्तहान लाए CCTV कैमराज सूधो जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कई वी सिंध में कोरोना वायरस 34 मरीजन जो हयातियों गिड़काए वो सूबे में 1452 नवा केस जाहिर थे बाद मुतासरन जो अंग 1,03,820 वरी वजीर मुराद अली शाह एहतियाती उपाउन से अमल की यकीनी बढ़ाने की अपील करने है तो हाँ बहराड़ी वन इलाक में भी कोरोना जहा केसिस तेजी से वही रहा है। कराची में 585 शहीद बेनजीराबाद में 113 शिकारपुर में 11 दादू में 88 हैदराबाद में 75 जैकबाबाद में 65 सांगड़ में 39 नवा केसिस जाहिर छा यह हकीकत है तो FBR के अगूणे चेयरमैन शबर जैदी पेंे मुद्दे दौरान 6 कंपनियों के 16 अरब रुपयन जो इनकम टैक्स रिफंड दिनों नवाज लीग मेंबर शिजा फातिमा ख्वाजा कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में शबर जैदी जहा कारनामा सामू आने ला सवालनामो जमा करा छो सवालनामे में पूछो वो है तो एंग्रो MCB स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक समेत 6 ही कंपनीज शबर जैदी जो खानगी क्लाइंट्स हुई सवालनामे में इो भी नुक्तो उथारे वो है तो इन कंपनीज के अड़े वक्त फायदो दिनों वो जैसे FBR पान रेवेन्यू गड करने में मुश्किल जो शिकार हो।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तरफां जस्टिस काजी फायज ईसा केस से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चैलेंज करने जो फैसलो। बार एसोसिएशन के इजलास में नजरसानी अपील दाखिल करने की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर चयो है नजरसानी अपील जो मुसविदो तैयार किया वो है। वकील हामिद खान मार्फत ईंदड़ हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कराई वी। इतने बटालू जो माना 80 रुपया किलो इन जो हर शे महंगाई थी वही है असाई असा तो जीण खो तंग अची आये लॉकडाउन लग पे लॉकडाउन के करे कारोबार मुतासिर लग पे यो खीर आ खीर दिसो 100-120 रुपया खीर लग पे बेरोजगारी लॉकडाउन लगो पे धंधा रोजगार आन कान बो महंगाई उरुज लगी पे मानू खुदकुशी कन कन हुकुमरान दिसन रा केड़ो कम कर न कोई पुछा गचा हो दुकान वाला पंज मर्जी से रेट लगाइन था तमाम घणी भाजी महंगी थी वई परचून जो सौदो महंगो थे बेरोजगारी तमाम वधी वई। मुल्क में वबाई हालतुन बावजूद महंगाई जो जिन बोतल मां निकली आयो आम वाहपे जे शयन जा अग ईणा थियण सबब आवाम जी चेलची भी थी वई। कराची में खीर एक धक सा 20 रुपया महंगो। भाजन ए मेवन सूदो अटे जा अग चोट चढ़ण बावजूद इंतजामिया हरकत में न आई। शुमारियात खाते महंगाई जी हफ्तेवार रिपोर्ट जारी कंदे चयो आहे त एक हफ्ते अंदर खंड 2 रुपया 14 पैसा ए बसर 4 रुपया फी किलो महंगा थिया। मिर्चन के अघन में 200 ग्राम से 16 रुपया ए बेसन के अघन में 4 रुपया फी दर्जन इजाफो रिकॉर्ड किया वो। शुमारियात खाते तरफा एक हफ्ते अंदर कुकड़ वे गोश्त नंढे गोश्त खीर चावर गुड़ ए दाल के अघन में भी रिकॉर्ड बाद जो भी एतराफ। गाजीखोड़ भरसा नींगर तला में वींजण दौरान बुनी फौत वारसन इलाके वासिन गडल कोशिशों से 6 साल के नींगर अली शेर मरखंड जो लाश बाहर कढ़ो। नींगर के वारसन है अली शेर मरखंड बेन बारन से गड तला में वींजी रहे हो तो उन्हें पानी में वजन सबब बुनी वो। लाड़कानो भरसा पंजन वरियन जो नींगर अल्ला डितो रिंद पानी के खड़ में बुनी बेहोश थी वो। एम्बुलेंस न मिलने सबब नींगर के रक्षा में रखी चानका अस्पताल मुंतकिल किया वो। एमरजेंसी वार्ड में नींगर जो वक्त सर इलाज न थियण से डॉक्टर्स ए वारसन में मुँह मारी। नींगर के वारसन है एक पासे इंतजाम या एम्बुलेंस न डिनी मथा वरी इलाज वक्त सर न करे नींगर की हयाती के दाव से लगाने की कोशिश कई वही। घोटकी भरसा बदी अग गुम थियल नींगर जो खूह में लाश हथ 14 वर्ष के उस्मान मलिक जो लाश खूह में कड़ी अस्पताल मुंतकिल किया वो। पुलिस है नींगर के लाश जो पोस्टमार्टम ए वारसन से राबते बाद वाक़े के हवाले से जांच शुरू कई वी। सिंधी बिटड़ अलग कारे इल्ज़ाम की जरगे दौरान इल्ज़ाम हेठ आयल गोठाने कादन साहर के एक साल लाए गोठ मां निकाली जी फतवा। गोठ के चकन मुड़सन की सरपंच में जरगे दौरान मथस 3.5 लाख रुपया दंड भी विधो वो। मीरपुर माथेलो के बेलो मीरपुर थाने के मुबैना निजी टार्चर सेल में एक गोठाने के बिन दिन का बांदी बनाने जो इंकशाफ। टाइम न्यूज की टीम के पहुंचने से गोठाने रियास मरनास जो पुलिस से तशद जो इल्ज़ाम कवरेज करण ता अहलकार जो कैमरामैन से उलरों गोठाने दायों त बासर जमींदार से जमीन की मालिकी ता झेड़े बाद पुलिस खेस खंभे आई ए मुख्तलिफ निजी हंधन से कैद रखियो। कराची के डिफेंस वाले इलाके में पुरेसरार गोली लगन के नतीजे में स्पीकर आगा सरा दुरानी के बंगले जो चौकीदार मारी वो। पुलिस मौजे मारी वल चौकीदार रब नवाज के साथी मुलाजमन है तो उन पान से राइफल जो फायर किया हो सीने में गोली लगन सब मौके से ही मारी वो। मारी वल रब नवाज नंढपिण का आगा सरा दुरानी के घर में मुलाजमत कंदो हो। जो करे जने मुझे मारन था मुझे पुलिस हदे उठी घर से दिनो तो पुलिस सावड़ी प्या मुझे थी सावड़ी प्या मुझे थी भी न होचे मुझे पोटरो भी न होचे मुझे डॉक्टर के फार कई थने मुझे पोटर से भी कई थने फार कम जो पांच जो पान कई बैठा है मुझे पोटरा गरम कटी जो मैं नुआ तुम करे ओ मुझे इमरान खान करे माँ ने कह सुखी कया मुझे अदल करे मुझे।
ऐं मिल्के जी लालच इंसानियत के लजाए छोड़ो। दादू में नूह ऐं पोटन मुबैना तौर बुढ़ी औरत के तशद्दुद बाद घरां कढ़ी छोड़ो। पीरसन जन्नत खातून टाइम न्यूज़ वालों दायो है तो पोटन खेस न्याणी सूदो तशद्दुद जो निशानो बणाए घरां कढ़ी छोड़ो ऐं पोए घर ते कब्ज़ो कयो। वज़ीर आज़म इमरान खान ऐं वॾे वज़ीर मुराद अली शाह के इंसाफ़ की अपील। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ सां गॾु मां आहियां शाहिद सियाल। हेडलाइंस सां वञूं बुलेटिन जी शुरूआत कंदासीं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।